सैन्य हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है। जी हां, 7 डिफेंस कंपनियां ऐसी हैं जो आज देश को समर्पित की जाएंगी। पीएम मोदी डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। विजय का यह पर्व है, विजयादशमी का पर्व, और इसे मैं सौभाग्य मानता हूं कि जिस दिन आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये हमारी 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस एक्ट की वोट की है, जिनका कि जिनको राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और चेयरमैन डीआरडीओ जो पहले रहे हैं, ऐसे श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कोई भी सुधार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो समय के साथ लगातार चलता रहता है। सुधार कोई डेस्टिनेशन न होकर बल्कि एक जर्नी है जिसे हम अपने अपने समाज और राष्ट्र के हित में ही तय करते हैं। इस पर्व को हर वक्त मनाए जाने के पीछे मैं मानता हूं यही उद्देश्य रहता है। आज उसी सुधारात्मक परिवर्तन के क्रम में 7 नई डीपीएसओस, एमआईएल, अवनी एंड ऑल इंडिया, टीसीएल, वाईआईएल, आईओएल, जीआईएल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अपने नए उद्देश्यों को पाने के लिए ऐसे सुधार का इससे अच्छा अवसर शायद ही कोई और हो सकता है। इसके लिए मैं एक बार फिर इस नई यात्रा की शुरुआत के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक की सेक्टर है। आप सभी अवगत हैं कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने हाल ही के कुछ वर्षों में न केवल सेल्फ रिलायंस की ओर बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट में भी ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो अब तक कभी संभव नहीं हो सकी थी। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है, यह हमारा उद्देश्य है। 2014 में देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही हमने अपनी पुरानी चली आ रही बिजनेस प्रैक्टिसेस और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए आवश्यक मॉडर्न प्रैक्टिसेस के गैप को देखा, भली बात समझा भी और उसे भरने का हमने प्रयास भी किया। इन वर्षों में सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने हमारे डिफेंस सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। साथियों, इन वर्षों में किए गए प्रयासों से आज हमारा डिफेंस सेक्टर सेल्फ रिलायंस और मेक फॉर द वर्ल्ड की राह पर तेजी से चल निकला है। रक्षा मंत्रालय ने एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में वर्ष 2024 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। 2014 के बाद से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट और एफडीआई के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की मांग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिफेंस सेक्टर में कई सुधार किए हैं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने, ज्वाइंट वेंचर विकसित करने और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जिसे डीएपी कहते हैं 2020, चाहे यह हो या 209 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस इनिशिएटिव हो
जिसे आईडेक्स इनिशिएटिव बोलते हैं, मेक प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन हो, या एमएसएमई के लिए डेडिकेटेड बजट हो, या फिर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट हो, यह सभी डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बहुत बड़े कदम है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने आर्डिनेंस एक्टिव बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के एक सबॉर्डिनेट ऑफिस को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ 7 मई 7 नई 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और आर्डिनेंस एक्टिव का 200 साल से अधिक का एक गौरवशाली इतिहास है। मैं मानता हूं कि इस आर्डिनेंस फैक्ट्री का इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर देश के लिए एक महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक एसेट है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में सशस्त्र बलों द्वारा आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उत्पादों की हाई कॉस्ट और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी और सप्लाई में देरी से संबंधित चिंताओं को भी उठाया गया है। एक सरकारी विभाग के रूप में ओएफबी को प्रॉफिट दिखाने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी और इसीलिए मुनाफा कमाने के लिए कोई इंसेंटिव भी नहीं रह गया था। साथियों, आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्यप्रणाली का अध्ययन पिछले 2 दशकों में विभिन्न हाई लेवल कमेटीज द्वारा किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।